तो फ्रेंड्स आपको ये प्रोसेस सिंपल लग सकता है, पर इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपने इस ईमेल आईडी से जो आपने बनाई है इससे आपने गूगल अकाउंट बनाना चाहते हैं या यूट्यूब का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ऐसी बातों का ध्यान खास रखिए आप। फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में, मैं आपका दोस्त अतुल शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा टेक। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे आ चुका है पार्ट वन, जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल से ईमेल आईडी कैसे बनाएं, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक ऐसा कोर्स लेके आने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप डबिंग वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक, ईमेल आईडी बनाने से लेकर वीडियो अपलोड करने तक पूरा प्रोसेस बताऊंगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में जानेंगे कि मोबाइल से ईमेल आईडी कैसे बनाएं। अगर आपको ईमेल आईडी बनाना आता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया जानना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि ईमेल आईडी बनाते वक्त आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप एक ईमेल आईडी से एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ये बातें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप आगे चलकर यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो आपको बहुत सी दिक्कतें आ सकती है। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप इस तरीके को देख लेते हैं तो उससे आपको फायदा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से एक दो बातें और बोलना चाहूँगा, अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल पहले से है और वो ग्रो नहीं हो रहा है, उस पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे, आप एक दो व्यूज़ के लिए भी तरस रहे हैं, तो फ्रेंड्स मेरी सलाह मानिए, आप नई ईमेल आईडी क्रिएट करिए, उससे नया यूट्यूब चैनल बनाइए, फिर एक नई शुरुआत करिए। हो सकता है कि आपको नए चैनल पर सफलता मिल जाए। फ्रेंड्स ऐसा होता है कि कई बार हम एक चैनल बना लेते हैं पर उस पर हमको सफलता काफ़ी दिन तक हाथ नहीं लगती है। पर फ्रेंड्स अगर आप मेरी बात माने तो आज से ही नई ईमेल आईडी बनाएं, उससे नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करें और उससे एक नई शुरुआत करें। हो सकता है कि आपको उस नए चैनल बनाने से कोई सफलता मिल जाए। तो फ्रेंड्स चलिए सीखते हैं कि मोबाइल से ईमेल आईडी कैसे बनाएं। देखिए मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लिया है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली जाना है अपने जीमेल वाले ऑप्शन पे। आपके मोबाइल पे एक जीमेल का ऑप्शन होगा, आप साइड में देख पा रहे होंगे। आपको सिंपली अपने लोगो पे क्लिक करना है। अगर आपके मोबाइल में कोई जीमेल आईडी बनी हुई है तो उसमें लोगो बन के आएगा। अगर आपको नहीं लिखा होगा तो आपने सिंपली उस पर लिखा आएगा ऐड अ अकाउंट, मेरे में लिखा रहा है ऐड अनदर अकाउंट। अगर आपकी जीमेल आईडी नहीं बनी होगी तो उस पर लिखाएगा ऐड अकाउंट, आपने ऐड अकाउंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद लिखा आएगा गूगल, आपने किस पर आईडी बनानी है, गूगल पर, ऑर्कुट पर, याहू पर, एक्सचेंज पर या अदर पर। फ्रेंड्स आपने बनानी है गूगल पर, तो आप सिंपली गूगल पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपकी जो इन्फो है चेक कर रहा है उसके फ्रेंड्स से पूछेगा कि आपने की ईमेल आईडी बनी हुई है कि आपने बनानी है। तो फ्रेंड्स हमने लिखा है क्रिएट एन अकाउंट फॉर माई सेल्फ फॉर मैनेज माई बिजनेस। तो फ्रेंड्स हमने बनानी है अपने लिए आईडी, हमें अपना बिजनेस नहीं बनाना है, हमारा कोई बिजनेस अकाउंट नहीं है, हमारा सिंपल एक पर्सनल अकाउंट है। तो हम पर्सनल अकाउंट के लिए माई सेल्फ पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपके फर्स्ट नेम लिखना पड़ेगा, आप वो नाम लिखिए जिस नाम से आप अपना चैनल बनाना चाहते हैं यूट्यूब का। तो कोशिश करें ऐसा नाम रखिए जो आपको याद रहे, कभी आपको अपनी ईमेल आईडी ना भूले, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा भी होता है, मेरा एक फ्रेंड था उसने अपनी ईमेल आईडी बनाई, वो एक हफ्ते बाद अपनी ईमेल आईडी ही भूल गया। तो फ्रेंड्स ऐसा नाम रखिए जो आपको हमेशा याद रहे और आप कभी भूले नहीं। तो फ्रेंड्स अब मैं मान लीजिए अपना नाम रखता हूँ मैं अतुल शर्मा। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने लिख लिया है अतुल शर्मा, अब इसको नेक्स्ट कर देंगे। और फ्रेंड्स अब आपको भरनी है जन्मतिथि। तो फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप अपनी बर्थ डेट भरें हमेशा उसको 18 साल से ऊपर रखें, अगर आप 18 साल से कम रखेंगे तो आपको आगे चलकर दिक्कतें आ सकती है। अगर आपने इस ईमेल आईडी से अपना गूगल अकाउंट बनाना है या यूट्यूब अकाउंट बनाना है तो उसमें अगर आपको दिक्कत आएगी तो इसलिए आप अपनी एज 18 साल से ऊपर रखें। भले ही आपकी एज 18 साल से कम हो तो कोशिश करें कि अपनी एज 18 साल से ऊपर रखें। तो फ्रेंड्स चलिए अपनी मैं एज भर लेता हूँ। तो मैंने भर लिया 1 जनवरी 2000, जेंडर मेल। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने भर लिया 1 जनवरी 2000। अब वो पूछ रहा है कि आप किस नाम से जीमेल आईडी बनाना चाहते हो। तो फ्रेंड्स ऐसी मेल आईडी बनाइए जो आपको हमेशा याद रखे, आप मेल आईडी में ना भूलें। तो मैं बना लेता हूँ अतुल शर्मा 24000। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा नाम लिख लिया है अतुल शर्मा 24000। फ्रेंड्स मेरी आईडी पास हो चुकी है। अगर ये नाम किसी और ने लिया होगा तभी आईडी पास नहीं होगी, वो बोलेगा कि ये नाम किसी और ने लिया हुआ है, आप कोई और नया नाम ले लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने वो नाम चूज कर लिया है, अब वो पासवर्ड भरने के लिए बोल रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसा पासवर्ड रखिए जो आप हमेशा याद रख सके। आपके स्कूल का रोल नंबर हो सकता है, आपके कॉलेज का रोल नंबर हो सकता है, आपके पापा का फोन नंबर हो सकता है, आपका खुद का फोन नंबर हो सकता है। ऐसा पासवर्ड रखिए जो आपको कभी ना भूले। तो फ्रेंड्स चलिए मैं कोई पासवर्ड रख लेता हूँ सिंपल सा। आपने कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए आपने ऐसा पासवर्ड रखना है। आपको पासवर्ड वो रखना है जो आप कभी जिंदगी में मत भूलिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपकी ईमेल आईडी चली जाएगी, प्लस आपका यूट्यूब अकाउंट भी चला जाएगा। इसलिए ऐसा पासवर्ड रखें जो आप कभी ना भूलें। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपने पासवर्ड को चूज़ कर लिया है। अब वो पूछ रहा है कि आप अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करना चाहते हैं, तो यस आई एम इन। फ्रेंड्स हमारी ईमेल आईडी बन चुकी है atulsharma24000@gmail.com। ऐसे आप भी अपनी आईडी बना सकते हैं। इसको नेक्स्ट पे करेंगे, आपके सामने जो
आपके सामने ढेर सारी गूगल की टर्म्स एंड सर्विसेज आ जाएगी, आपने उस पर आई एग्री पे क्लिक कर देना है और आपकी ईमेल आईडी अब क्रिएट हो चुकी है। फ्रेंड्स, आपको ये प्रोसेस सिंपल लग सकता है, पर इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपने इस ईमेल आईडी से जो आपने बनाई है, इससे आपने गूगल अकाउंट बनाना चाहते हैं या यूट्यूब का अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो ऐसी बातों का ध्यान खास रखिए आप कि आपकी बर्थ डेट क्या है, आपने जन्मतिथि कैसी लिखी हुई है, कौन सी डेट यूज़ की हुई है, कौन सा पासवर्ड लगा है, कौन सी ईमेल आईडी बनाई है, क्योंकि अगर आप आगे चलकर आपको ईमेल आईडी भूल जाती है तो आपका पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, आप उससे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कभी उसका एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ईमेल आईडी बनाकर उसके ध्यान रखने के लिए ऐसा पासवर्ड चूज करें, ऐसे शब्द यूज करें जो आगे चलकर आपको याद रहे, कभी भूले नहीं। तो फ्रेंड्स, ये था सिंपल सा तरीका ईमेल आईडी बनाने का। नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा मैं यूट्यूब का चैनल कैसे क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।